खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक हुआ पारित। विधेयक के विरोध में पड़े 80 वोट, तो वहीं पक्ष में 311 बिल। गुजरात सीएम विजय रूपाणी का समान नागरिकता संहिता पर बड़ा बयान, कहा यूसीसी कार्यान्वयन अभी एक अधूरा, यूसीसी को लाने के बारे में सोचने का समय आ गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने नागरिकता बिल का किया विरोध। चिदम्बरम ने नागरिकता संशोधन बिल को बताया असंवैधानिक। कैब पर सामने आए जनता दल के दो अलग अलग मत, पार्टी ने बिल का किया समर्थन, वहीं पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर किया इसका विरोध। लोकसभा में बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, कहा मेक इन इंडिया से रेप इन इंडिया बन रहा भारत। फरुखाबाद में डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पीड़ित परिवार के लोग, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हमीरपुर में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर बाइक पेड़ से टकराई, घटना में बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत। बांदा के मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्सों के बीच जमकर मारपीट, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई, हादसे में दो लोगों की मौत, 20 से अधिक लोग घायल। ललितपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मडावरा चोरी के दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 के इनाम की घोषणा। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का उड़ाया मजाक, ट्रंप को बताया नासमझ और खुशामद पसंद बूढ़ा। उत्तर कोरिया की तरफ से लगातार भड़काऊ भाषणों को देखते हुए ट्रंप ने उठाया सख्त कदम, ट्रंप ने बुलाई संयुक्त राष्ट्र की बैठक। महाभियोग मामले में अपना पक्ष रखते हुए डेमोक्रेट्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर किया हमला, ट्रंप को बताया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन में उनके समकक्ष जेलेंस्की ने पेरिस में की मुलाकात, दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने पर की चर्चा। मानवाधिकार दिवस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने दुनिया से की अपील, लोगों से की कश्मीर मसले में हस्तक्षेप पर कश्मीर को आजाद कराने की मांग। पाकिस्तान के पूर्व ओपनर नासिर जमशेद ने स्वीकारी T20 में फिक्सिंग की साजिश में शामिल होने की बात, इस मामले में फरवरी में सुनाई जाएगी सजा। खराब परफॉर्मेंस से जूझ रहे ऋषभ पंत को लेकर बोले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन, कहा पंत को परफेक्ट होने में लगेगा समय। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे टीम से बाहर हो सकते हैं शिखर धवन, अब तक ठीक नहीं हुई धवन की चोट। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने रूस पर की बड़ी कार्रवाई, रूस को सभी बड़े खेल आयोजनों में हिस्सा लेने से 4 साल के लिए किया प्रतिबंधित। 13वें दक्षिण एशियाई खेलों के समापन के एक दिन पहले भारत ने जीते 46 मेडल, टूर्नामेंट में भारत के पदकों की संख्या हुई 300 के करीब। अभिनेता सुनील शेट्टी को मिली बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए सुनील। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की फिल्म छपाक का ट्रेलर रिलीज, 2 मिनट 19 सेकंड का ट्रेलर देखकर भावुक हुए फैंस। अभिनेत्री सई मांजरेकर ने फिल्म दबंग 3 का नया पोस्टर किया शेयर, क्लाइमैक्स सीन की इस तस्वीर में शर्टलेस होकर अपने ऐप दिखाते नजर आए सलमान खान। वोग इंडिया और नायका फैशन अवार्ड सेरेमनी में छाए फिल्मी सितारे, अनुष्का शर्मा बनी स्टाइल आइकन ऑफ द ईयर। पाकिस्तानी एक्ट्रेस अमीशा शफी ने एक बार फिर अली जफर पर लगाया आरोप, कहा अली ने कई मौकों पर किया उनका शारीरिक शोषण।